गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. बेटा आज हम अपनी सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन. ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन आपका पेपर टू है. बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर तीन ही है मेन, तो सबके कॉमन होते हैं. उसके अलावा आपके जो हैं अनकॉमन सब्जेक्ट्स होंगे, सबने अपने अपने स्टडीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिए होंगे. ठीक है, तो पहला है डिस्क्राइब कॉन्करेंट स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंडिया में क्या स्टेटस है एजुकेशन का. ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है इसके अंदर. तो करें एजुकेशन इन इंडिया इज प्रोवाइड बाय द पब्लिक सेक्टर्स एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर. अगर हम देखें तो हमारे इंडिया के अंदर प्राइवेट स्कूल्स भी हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं. ठीक है जी, तो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों में पढ़ाइयाँ होती हैं, सेंट्रल स्टेट और लोकल लेवल पर. तीन लेवल्स हैं हमारे यहाँ पर. बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं इन कॉन्स्टिट्यूशंस के हमने पढ़े हैं. इसके अंदर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में हम सबने पढ़ा है कि भाई 6 से लेकर के 14 ईयर्स की उम्र तक जो है बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जाएगी इन गवर्नमेंट स्कूल्स. अगर हम देखें पब्लिक और प्राइवेट का स्कूल का रेशियो तो कितना है, 7:5 है. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने काफी प्रोग्रेस किया है प्राइमरी एजुकेशन में, अटेंडेंस रेट में, एक्सपेंशन लिटरेसी एंड टू अप्रोक्सीमेटली 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया 7-10 एज ग्रुप. ठीक है भाई, 2011 की अगर बात करें 2011 तक ये काम हुआ था. तो इंडियाज इम्प्रूव्ड एजुकेशन सिस्टम इज ऑफन साइटेड एज वन ऑफ द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर टू इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट. कि जो इंडिया में इम्प्रूवमेंट हुई एजुकेशन सिस्टम में, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराने में. सबसे ज्यादा प्रोग्रेस जो है स्पेशली इन एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च हैज बीन क्रेडिटेड टू वेरियस पब्लिक इंस्टीट्यूशंस. कि जितने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम देते हैं क्रेडिट हायर एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च में प्रोग्रेस के लिए. अगर हम बात करें प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पर, इंडिया हैज अ लार्ज प्राइवेट स्कूल सिस्टम. कि प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पर इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट स्कूल सिस्टम्स हैं जो गवर्नमेंट चला रही है. गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी यहाँ पर हैं. तो कहें 29% ऑफ स्टडीज रिसीविंग प्राइवेट एजुकेशन इन द 6-14 एज ग्रुप्स. 29% बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल से पढ़ते हैं जो कि 6-14 साल की उम्र के होते हैं. पोस्ट सेकेंडरी टेक्निकल स्कूल्स और यहाँ पर जो है वो भी प्राइवेट हैं. प्राइवेट एजुकेशन मार्केट इन इंडिया हैड अ रेवेन्यू ऑफ $450 million इन 2008. मतलब यूएस डॉलर में है भाई 2008 तक 450. और ये जो है इट इज प्रोजेक्टेड टू द $40 billion मार्केट. अगर हम देखें एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2012, 96.5% ऑफ ऑल रूरल चिल्ड्रन बिटवीन द एज 6-14 वर एनरोल्ड इन स्कूल. 2012 तक इतने परसेंट बच्चे जो हैं गांव के इस उम्र के वो स्कूल में एनरोल हो चुके थे. और ये फोर्थ एनुअल सर्वे था एनरोलमेंट के लिए जो कि 96% से ऊपर था. एक और रिपोर्ट है 2003 से, उसने वो ये कहते हैं कि 229 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं इन डिफरेंट accredited urban and rural area of India from class 1st to 12th representing an increase of 2.3 million students over 2002. मतलब 2002 के बाद से 2.3 million बच्चे जो हैं स्कूल के अंदर बढ़ गए थे. 19% girls enrollment जो हैं वो increment हुआ था, कि 19% लड़कियां जो हैं वो ज्यादा enroll हुई हैं. ठीक है भाई, तो इंडिया की जो एजुकेशन थी वो यूनिवर्सल बन रही थी, जो क्वालिटी थी एजुकेशन की, लेकिन वो एक सवाल था. ठीक है जी, स्पेशली किसमें जो गवर्नमेंट चला रहा है स्कूल. कुछ रीजन था कि भाई जो पुअर क्वालिटी थी, एब्सेंस ऑफ अराउंड 25% ऑफ टीचर्स एवरी डे, मतलब हर रोज जो है 25% टीचर्स जो है वो एब्सेंट रहते हैं. ठीक है, तो इंडिया के जो स्टेट्स थे उनमें टेस्ट इंट्रोड्यूस कराए गए, एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि स्कूलों में इम्प्रूवमेंट लाई जा सके. अब ये इम्पोर्टेंट था क्लैरिफाई करने के लिए कि देर आर प्राइवेट स्कूल्स इन इंडिया के, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं इंडिया में और वो हाईली रेगुलेटेड हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे कैन टीच. कि मतलब जो उनमें पढ़ाया जाता है कंपैरेटिवली टू गवर्नमेंट स्कूल्स वो ज्यादा बेहतर माना गया. ठीक है जी, कह रहे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में जो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीट्स थी वो रिजर्व्स थी. किसके लिए? अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज के लिए, फॉर द हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज, शेड्यूल कास्ट के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी वगैरह के लिए. यूनिवर्सिटी अगर बात करें, कॉलेज की अगर बात करें, या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें जो फेडरल गवर्नमेंट से एफिलिएटेड थी, तो वहाँ 50% जो रिजर्वेशन थी वो डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स के लिए रिजर्व थी. महाराष्ट्र में 73% रिजर्वेशन है 2014 में,
ठीक है, तो कहना विच इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रिजर्वेशन इन इंडिया, 73% माइनर लगता है महाराष्ट्र के अंदर भाई, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। अगर हम देखें ओवरव्यू ऑफ एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पे सेंट्रल एंड मोस्ट स्टेट बोर्ड यूनिफॉर्मली फॉलो द 10+2+3 पैटर्न ऑफ एजुकेशन, 10+2 मतलब 12 होके प्लस 3 मतलब ग्रेजुएशन होंगे। इस पैटर्न में 12 इयर्स इज डन इन स्कूल्स और इन कॉलेज एंड देन 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन फॉर अ बैचलर्स डिग्री। पहले 10 साल जो है उसमें हम सब डिवाइड करते हैं 5 इयर्स को प्राइमरी एजुकेशन, 3 इयर्स फॉर अपर प्राइमरी, और उसके बाद 2 इयर्स जो है वो 2 इयर्स फॉर हाई स्कूल। जो पैक्ट ओरिजिनेट हुआ था रिकमेंडेशन के लिए एजुकेशन कमीशन 1964-66 के बीच में हुआ था। उसके बाद NCERT आता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये एपेक्स बॉडी है करिकुलम रिलेटेड मैटर्स फॉर स्कूल्स, जितनी भी स्कूल्स में बुक्स वगैरह होती हैं वो यही प्रोवाइड करवाते हैं। और भी कुछ गवर्नमेंट बॉडीज हैं, वो क्या है, पहले क्या है द स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड, पहला है स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड। तो बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं हैव वन स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब अपना अपना एक स्टेट बोर्ड है। आजकल दिल्ली का भी आ रहा है DBSE, ठीक है जी। उसके बाद क्या है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन विच कंडक्ट एग्जामिनेशन आर एट द, मतलब जो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन CBSE को 10th और 12th स्टैंडर्ड्स को एग्जाम करवाता है। उसके बाद CIESE है, ये 3 एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी इसके अंदर आता है, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट भी इसके अंदर आता है, और सर्टिफिकेट इन वोकेशनल एजुकेशन भी इसके अंदर ही आता है। उसके बाद क्या है नेशनल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग ओपन स्कूलिंग NIOS के, जो बच्चे 10th के बाद डायरेक्ट 12th कर चाहते हैं, अभी जो बच्चे नहीं पढ़ पाए किसी कारणवश वो 10th करना चाहते हैं, तो NIOS से ओपन लर्निंग ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं, वहां से कर सकते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल स्कूल एफिलेटेड टू द इंटरनेशनल बैचलरेट प्रोग्राम और द कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन। इस्लामिक मद्रास स्कूल्स होते हैं जिनके जो बोर्ड हैं वो लोकल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। ऑटोनोमस स्कूल्स लाइक वुडस्टॉक स्कूल, श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन पांडुचेरी, ओरोविल, पत्था भवन और आनंदा मार्गा गुरुकुला, ये सब आते हैं स्कूल्स हैं। ऑटोनोमस स्कूल इंटरनेशनल स्कूल हैं विच ऑफर 10th 12th स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन अंडर द इंटरनेशनल बैचलरेट और द कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सिस्टम, ये सब चीज़ें हैं। और लास्ट क्या है इन एडिशन NUEPA नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड NCTA नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड टीचर एक्रेडिटेशन, मतलब टीचर्स को अपॉइंट करना, सिस्टम को देखना, वो सब काम इनका होता है NCTA और NUEPA का। ये क्वेश्चन था आपका पहला इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद है NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। आप हमें जो है बहुत सारे नेशनल पॉलिसीज के बारे में पढ़ना है, तो हमारे पास 3 नेशनल पॉलिसीज हैं अब तक, नेशनल पॉलिसी 1968-86 और 1992। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि ये NPE है क्या, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है क्या। ये तो एक तरह की ये पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट करती है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इंडिया के पीपल के बीच में, ठीक है जी। तो ये जो पॉलिसी है इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन से कॉलेज तक की एजुकेशन आती है रूरल और अर्बन दोनों एरिया में। जो पहली NPE आई थी वो 1968 में आई थी, गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंडिया इंदिरा गांधी, उन्होंने ये दी थी, और सेकंड बाय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इन 1986 में। मतलब पहली जो NPE आई थी वो इंदिरा गांधी जी ने दी थी और दूसरी जो है राजीव गांधी जी ने दी थी। अगर हम बात करें नेशनल इंडिपेंडेंस की, तो 1947 हमको मिलती है, 1947 में हम आज़ाद हो चुके थे। इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ लिटरेसी इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया की, मतलब आज़ादी के बाद हम अगर देखें तो हमारे देश में बहुत गरीबी थी, तो उस गरीबी थी और इलिटरेसी थी, लोग पढ़ जानते नहीं थे, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उस इलिटरेसी को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं गाँव और शहर दोनों में चलाए गए। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हैं वो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है जी। उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल था उनका एजुकेशन के ऊपर पूरी कंट्री में। जो यूनियन गवर्नमेंट थी उसने एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बिठाई 48-49 के बीच में, और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 के उन्होंने उनको लागू किया कमीशन को, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, टू डेवलप प्रपोजल टू मॉडर्नाइज इंडियाज एजुकेशन सिस्टम की, मतलब इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करने के लिए अप्लाई किया गया था, ठीक है जी। तो करेंगे जो रेजोल्यूशन था साइंटिफिक पॉलिसीज पर वो अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट के द्वारा,
अब गवर्नमेंट किसकी थी उस टाइम में, जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी जो कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर्स थे। तो नेहरू की गवर्नमेंट थी, उसने डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी साइंटिफिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को प्रमोट किया, डेवलप किया, ठीक है जी। 1961 में यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म द यूनियन गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी को फॉर्म किया एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, जो एडवाइस करती थी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को, ताकि वो अपनी एजुकेशन पॉलिसीज को बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करवा सकें। अब पहले कौन सी है, एनपीई 968। तो एजुकेशन कमीशन 1964-66 के रिपोर्ट के बिहाफ पर जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, उसने पहली एनपीई अनाउंस किया 1968 में, जिसको रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग भी कहा गया था, और इक्वलाइज किया एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज को नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव करने के लिए, ग्रेटर कल्चर को अचीव करने के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। इस पॉलिसी क्यों बुलाया, क्यों लागू किया गया, ताकि जो कंपल्सरी एजुकेशन थी 6 to 14 years के बच्चों तक के लिए, उसको फॉर्मुलेट किया जा सके, टीचर्स को बेटर क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग दी जा सके। जो ये पॉलिसी थी, इसका फोकस था लर्निंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज, आउटलाइनिंग द 3 language formula, कि मतलब इस पॉलिसी में 3 language formula था, कि भाई एक तो आपकी हिंदी हो गई, एक आपकी इंग्लिश हो गई, जो स्टेट में आप रहते हैं उसकी लैंग्वेज, ठीक है जी। इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया था उसके अंदर, और हिंदी को नेशनल लैंग्वेज कहा गया था। तो लैंग्वेज एजुकेशन वाज सीन एज एन एसेंशियल टू रिड्यूस द गल्फ बिटवीन द इंटेलिजेंशिया एंड द मासेस। तो लैंग्वेज को एक कहा गया कि भाई जो है, जो एक जो रिडक्शन था गल्फ का इंटेलिजेंशिया और मासेस के बीच में, उसको दूर करने के लिए लैंग्वेज का एजुकेशन बहुत जरूरी है। डिसीजन अडॉप्ट किया गया हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए। ये बाद में कॉन्ट्रोवर्शियल भी थी कि नेशनल लैंग्वेज हम हिंदी को क्यों बना सकते हैं। हिंदी को प्रमोट किया गया एज अ कॉमन लैंग्वेज फॉर ऑल द इंडियंस। पॉलिसीज जो है उसको एनकरेज किया गया। द पॉलिसी ऑल्सो इनक्रेज टीचिंग ऑफ द एंशियंट संस्कृत लैंग्वेज की, जो पॉलिसी था, जो पॉलिसी थी इसमें ये भी था कि भी आप संस्कृत लैंग्वेज को बढ़ावा दें। इंडिया कल्चर का बहुत ही असेंशियल पार्ट इसको माना गया था। एनपी ऑफ 1968 इसको हमने कहा एजुकेशन स्पेंडिंग टू इंक्रीज टू 6% ऑफ द नेशनल इनकम, मतलब 6% नेशनल इनकम बढ़ाने के लिए इस पॉलिसी को बताया गया था। 2013 में एनपी 68 हैज मूव्ड लोकेशन ऑन द नेशनल वेबसाइट, नेशनल वेबसाइट पर 2013 में एनपी 68 आई थी। उसके बाद नेशनल पॉलिसी 86 आई। 86 में क्या हुआ, तो 86 में जो आई थी ये पॉलिसी, हैविंग अनाउंस अ न्यू पॉलिसी वाज इन डेवलपमेंट जनवरी 85 में, जनवरी 85 में डेवलपमेंट हुआ नई पॉलिसीज का। उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी थे, उन्होंने नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कराया था मई 1986 में। इसको हमने कहा था स्पेशल एम्फेसिस ऑन द रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड द इक्वलाइज एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, मतलब एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इक्वलाइज करने के लिए और डिस्पैरिटीज को मिटाने के लिए ये नई पॉलिसी आई थी फॉर इंडियन वुमेन स्पेशली और एसटीएससी कम्युनिटीज के लिए आया था। इसको अचीव करने के लिए जो पॉलिसी को कहा गया एक्सपेंडिंग स्कॉलरशिप्स, एडल्ट एजुकेशन रिक्रूटमेंट, मोर टीचर्स फ्रॉम द एससीज, इंसेंटिव्स ऑफ फॉर पुअर फैमिलीज टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल रेगुलरली, इंसेंटिव भेजा गया पुअर फैमिलीज के लिए ताकि वो बच्चों को स्कूल भेज सके। ये जो एनपी आई थी, ये आई थी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के अंदर थी, कि बच्चे के ऊपर फोकस करना है आपको। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था इसके अंदर वो लॉन्च किया गया टू इम्प्रूव प्राइमरी स्कूल नेशनल वाइड। इस पॉलिसी को एक्सपेंड किया गया ओपन यूनिवर्स सिस्टम में विद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी विच हैड बीन क्रिएटेड इन 85। जो इग्नू है, जो नेशनल इंडिया का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, वो 85 में लॉन्च किया गया था। रूरल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भी ये जो पॉलिसी है ये आई थी, ठीक है जी। उसके बाद आई एनपी 1992। जो 1992 में एनपी आई गई थी वो 86 को ही मॉडिफाई किया गया था बाय पीवी नरसिम्हा राव, उस टाइम पे इनकी गवर्नमेंट थी। 2005 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने अडॉप्ट की थी नई एनपीई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में, ठीक है जी। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 अंडर द नेशनल पॉलिसी 86 एनविस्ड कंडक्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑन ऑल इंडियन बेसिस फॉर एडमिशन टू प्रोफेशनल एंड टेक्निकल प्रोग्राम्स इन द कंट्री। कंट्री में अगर किसी बच्चे को किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर होगा, ठीक है जी।
यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई फॉर एडमिशन टू इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर प्लानिंग प्रोग्राम, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर प्लानिंग प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइड रेजोल्यूशन डेट 18 अक्टूबर 2001 हैज लेट डाउन अ थ्री एग्जाम स्कीड्यूल स्कीम। थ्री एग्जाम स्कीम यहाँ पे लागू की गई थी, जेईई AIEEE एट द नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम SLEEE फॉर स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन विद एन ऑप्शन टू ज्वाइन AIEEE। ये तीन तरह एग्जाम जो है कंडक्ट करवाए गए थे। इसकी वजह से क्या हुआ था कि भाई वेरिएशन आए थे एडमिशन स्टैंडर्ड में इन प्रोग्राम की वजह से, और मेंटेनेंस जो है प्रोफेशनल सर्विस का वो बरकरार रखा गया था। And this also solved problem of overlap. जो overlap होता था problem इसका, रिड्यूस फिजिकल मेंटल एंड फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टूडेंट्स, मतलब बच्चों को जो फिजिकल मेंटल और फाइनेंशियल बर्डन आपको उसको भी रिड्यूस किया गया था। तो ये बच्चे जो हैं वो मल्टीपल प्रोग्राम्स में अपना पार्टिसिपेट करना चाहते थे, वो उनको बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते थे, तो उनका खर्चा बहुत ज़्यादा आया करता था। अब कुछ रिसेंट डेवलपमेंट यहाँ पर अभी है। पहला सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल ये शुरू किया था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यहाँ पे शुरू किए गए थे। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज। साक्षर भारत या एडल्ट एजुकेशन भी शुरू किया गया था। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान फॉर डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन लॉन्च किया गया था 2013 के अंदर। ये NP जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। तीन तरह के NP आपने पढ़े, 68, 86 और 92। 68 दी इंदिरा गांधी ने, 86 दी राजीव गांधी ने, और 92 वाली दी थी आपकी PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, और प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उन्होंने ये NP लागू कराई थी। ठीक है जी, तो आज आपकी टॉपिक है, दो टॉपिक पढ़े हमने, एक इंडिया के बारे में पढ़ा कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा है, और दूसरा हमने पढ़ा NPE के बारे में। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेंगे, जो भी डाउट होते हैं उनसे पूछ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम कल पढ़ेंगे, मार्जिनलाइजेशन के बारे में। ठीक है।